व्हाट इज अप गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज मैंने प्लान किया है कि मैं अपने कॉलेज जाऊंगा अराउंड 8-9 महीने बाद। सो लेट्स सी कॉलेज का क्या सिनेरियो है, क्या कैसे। आई मैं पढ़ता हूँ जैसे आपको पता ही होगा, तो मैं अपने कैंपस जाऊंगा एंड देखूंगा कि कैसा क्या सीन है। एंड बहुत ही ज़्यादा याद आ रही कैंपस की, लिटरली 7-8-9 महीनों से हम शायद से घर पे बैठे हुए हैं। मैं फाइनली भुवनेश्वर आया हूँ तो मैं चांस नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा, अपना कैंपस टूर भी दूंगा, बहुत ब्रीफ होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। एंड आफ्टर ऑल 16 एकर का कैंपस है हमारा आई आई भुवनेश्वर में। तो आई होप यू गाइज लाइक इट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट येट, एंड डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। सी यू देयर। So let's go. I am your guide today. We'll be going all the way together to IMI Bhubaneswar. Arre, dahi vada dekha? That's the most delicious thing you'll get here in Bhubaneswar. Roads in Bhubaneswar are wide and clean, and on my left hand side, DAV school hai. Thoda sa fuel kam hai boss, bhar lete hain fatafat se. एंड अब मेरा ऑनलाइन क्लास 2 बजे से है एंड इट्स ऑलरेडी 12:30 एंड मुझे जैसे तैसे करके जल्दी से वापस आना है बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस माय क्लासेस। एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव सम हॉस्पिटल, हर IMI, BGU और IIIT वाला इस हॉस्पिटल से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ होगा। अब हम एंटर करेंगे अपने कॉलेज के एरिया में, गोठेपटना एरिया। But the best thing about this place is it's kind of far away from city and hence no noise and very less disturbance. And you'll find so much greenery in this place, which makes the area even more peaceful. And hum college ke kafi paas aa chuke hain. On the left we have Nalco and ab U-turn le lete hain kyunki campus aa raha hai. There's Abhita ka Tapri, जो हम सब का फेवरेट चिल स्पॉट है बॉस। सो दिस रोड इज समथिंग जो हम IMI वालों का काफ़ी फेवरेट है। आपको ग्रीनरी सिर्फ कैंपस में नहीं, उसके बहुत दूर से दिखने लग जाती है। एम आई नॉट करेक्ट? आई मीन जस्ट लुक एट इट मैन। ऑन द राइट वी हैव BGU, बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी। एंड फाइनली हम आ चुके हैं अपने कैंपस गेट पे। तो मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है एट द सिक्योरिटी ऑफिस एंड हैवी एंटर। सो वेलकम टू माय ब्यूटीफुल कैंपस एंड माय सेकंड होम। So there is the admin office and just look at it, how nice it looks. So ab yahan se chalte hain seedha and I'll show you. So iske aage faculty ka ghar hai, so it's better ki main iske aage na jaun and I'll take U-turn from here. That's the big ग्राउंड एंड वहाँ हमारा हॉस्टल है। दिस इज MDP एंड इसके फर्स्ट फ्लोर पर यू हैव द जिम, दैट्स द बास्केटबॉल कोर्ट। एंड दैट्स आवर हॉस्टल। इतने दिन बाद देख रहा हूँ यार, जो सुकून मिल रहा है मैं क्या ही बताऊँ।
सो मैं फटाफट से अपने GoPro से M50 पे स्विच करता हूँ इन 3, 2, 1। What is up guys? Welcome from my 16-acre lush green campus. This is I am at Bhubaneswar and मैं बहुत बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ आज, तो literally मुझे कितना ज़्यादा खुशी हो रहा है मैं क्या ही बताऊँ। सो दिस इज जिम एरिया, इसके ऊपर यहाँ पे है एंड यार क्या ही बोलूँ, काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, नॉस्टैल्जिक तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। एंड मेरे आई एम फ्रेंड्स जब इस वीडियो को देखेंगे आई होप आपको भी सेम लगेगा। एंड क्या बताऊँ, मैं आज आपको अपने छोटे से व्लॉग के थ्रू अपना कैंपस वापस दिखाना चाहता हूँ। आई फील सो ब्लेस्ड कमिंग बैक टू दिस प्लेस एंड दिस इज द मेस एरिया। आई थिंक इट्स ओपन, वी हैव आदर सर सिटिंग एंड डूइंग समथिंग। सो दिस इज द प्लेस, ऑब्वियसली आम से एरिया एंड अभी कितना खाली खाली लग रहा है। दैट्स द हॉस्टल एरिया हमारे पीछे एंड दैट्स द एकेडमिक ब्लॉक उस साइड। एंड क्या बताऊँ यार, इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है। एंड बस चाहता हूँ कि अभी आया हूँ तो बस होप कर रहा हूँ कि कॉलेज वाले बोले कि भाई रुक जाओ मत जाओ, कैंपस खुलने वाला है कुछ दिनों में, बट ऐसा नहीं है यार। एंड फर्स्ट ईयर वाले जिनको कोई आइडिया नहीं कैंपस लाइफ क्या कैसा है, आई जस्ट वॉन्ट देम कि एटलीस्ट उनको अलाउ कर दे कुछ हो, और हमारे 3-4 महीने हैं बस, बट ये कोविड आई डोंट थिंक इसे होने देगा। एंड दैट्स द सेंट्रल पार्क, सो दैट्स द फैकल्टी मेस और कैफेटेरिया वॉट एवर यू कैन से। एंड इस साइड हमारा टीटी रूम वगैरह ये। Look at this beauty man, this is the OG beauty I would say. Nothing looks prettier than this. I mean, मेरे को नहीं पता कि ये 16 का कैंपस एक्चुअली इतना सुंदर होगा। एंड जब मैं आया तो अब मेरे को फील हो रहा है कि यार हम किस चीज़ से 8-9 महीने दूर रहे हैं एंड मुश्किल से 3 महीने रह गए कैंपस लाइफ ख़त्म होने में, तो आई फील बैड अबाउट दैट, बट आई गेस हम इतना कुछ कर नहीं सकते। चलो मैं आपको फटाफट से वो वाला एरिया एक बार घुमाता हूँ एंड एक वर्चुअल टूर देता हूँ, एंड मेरे फ्रेंड्स मेरे बैचमेट्स जिस वीडियो को देख रहे हैं शायद से उन लोगों को भी कुछ चीज़ें याद आएंगी। वो बात है जब हम यहाँ से क्लासरूम CR1 CR2 यहाँ पे, ओह माय गॉड, दिस इज व्हाई दे कॉल इट द लश ग्रीन कैंपस आई वुड से। आई मीन लुक एट द कैंपस यार, जैसे आपको पता है कि हमारा सेक्शन सेक्शन ए ज्यादा बेटर है, ये सेक्शन बी। सो दिस इज सेक्शन बी एंड दिस इज फार बेटर देन सेक्शन ए, तो ये प्रूव हो चुका है क्योंकि सेक्शन बी का लड़का आया यहाँ पे एंड उसने ब्लॉक किया यहाँ पे। तो यार नो ऑफेंस टू सेक्शन ए गाइज, तुम्हारा भी अच्छा है, हमारा कैंपस सबसे बेस्ट है यार। एंड द मोस्ट sad thing is हमको अभी तक पता नहीं कि हम कैंपस वापस आएंगे, यहाँ रहेंगे कि नहीं, ये सब देखने को मिलेगा कि नहीं यार, नोबडी नोज अबाउट इट। एंड कैसे हम गए थे एंड अभी से मास्क पहन के एप्लीकेशन लिख के परमिशन लेके आना पड़ रहा है, आई जस्ट होप कि वो दिन ज़्यादा दूर ना हो एंड हमको जनवरी तक बुला दिया जाए कैंपस। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो क्लासरूम तो इतना ही यार हमारा, मैं बैठता था कभी पूरा आगे या तो पूरा पीछे, लिटरली वहाँ पे। And this is the placecom room. Yeah, ये placecom room है and this place looks so beautiful. ये कोटियार टाइप का है जो भी बोलो इसको, एंड उस साइड हमारे ऑडिटोरियम्स वगैरह। मेरा मतलब पूरा आना पूरा वसूल हो गया यार, come on. Just look at this place, man. This is the beauty of this campus. यहाँ पे literally यार रात को जब बैठते हो ना, रात को तुम आओगे अराउंड 1-12 बजे, इतना ज़्यादा पीसफुल, वैसे हर टाइम पीसफुल ही रहता अपना कैंपस, बट रात के 12:30-1 बजे जब आके बैठते हैं यहाँ पे सेंट्रल पार्क से कुछ खाते रहते हैं एंड इन्हीं स्टेयरकेस में बैठते हैं लिटरली, तो ट्रस्ट मी
उन सब का फील वाइब सब कुछ डिफरेंट है यार. एंड इट विल नॉट बी फेयर अगर मैं बोलूं कि मैं ब्लू बेंचेस को मिस नहीं करता यार. ये ब्लू बेंच तो लिटरली हमारे IMI का मेन पार्ट है. I mean, कौन सा दिन नहीं हुआ होगा जब हम इन ब्लू बेंचेस में नहीं बैठे होंगे, ये सारे ब्लू बेंचेस में. ओ मैन, मेरे को लग रहा है मैं कैंपस वापस आ चुका हूँ. एंड इट मेक्स यू फील सो नाइस. तो अभी हम वापस जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ. एंड आई गेस आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होने वाला है. सो राइट नाउ आई एम हैविंग सो मेनी इमोशंस, सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थॉट्स रनिंग इन माई माइंड, बट आई डोंट नो इफ आई कैन रियली एक्सप्रेस इट ऑन द कैमरा. आई मीन कैंपस को कितना ही बोलो, इट्स द बेस्ट यार. पहले अजीब लगता है कि कॉलेज में जब नए नए आते हैं कि कैसे रहेंगे दो साल, कैसे कटेंगे दो साल, बट जब यहाँ से जाते हैं ना यार तब लगता है, तब चुभता है यार कि कैसे कैसे जल्दी आएंगे. हम तो सोचे थे कि हम सिर्फ 2 महीने के लिए दूर जाएंगे, जबकि अब लग गया है ऑलमोस्ट 8 महीना. तो आई डोंट नो व्हाट टू से. सो गाइस आई विल बी एंडिंग द व्लॉग हेयर ओनली. मैं अभी ज़्यादा टाइम व्लॉग करने मूड में हूँ नहीं कि मोटो व्लॉग करूँ फिर से. सो इफ यू लाइक दिस व्लॉग व्हाट्स ओवर रीज़न, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ. अगर आप देख रहे हैं तो आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.